गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश नेहरडा। आज आपको ये पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध शीर्षक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारा टॉपिक रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारा अध्ययन का विषय रहेगा नई प्रवृत्तियां और मुद्दे। नई प्रवृत्तियां और मुद्दे कहाँ आए, ये हमने कल वीडियो में पढ़ा था, क्योंकि प्रकृति का नियम भी है बदलाव होना, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी ऐसा ही हुआ है, लगातार बदलाव होता रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञों का मत है कि 20वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुए, वो व्यापक परिवर्तन किस कारण हुए और उनसे क्या आमूलचूल परिवर्तन हुआ। एक कारण तो उसमें यह था, एक मुद्दा तो यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के का होना और उसके बाद की स्थिति। दूसरा परिवर्तन का कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का होना, और तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा था, वो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि रूस का विघटन होना या रूस का अवसान होना। ये जो मुद्दे थे इन मुद्दों से नई प्रवृत्तियां पनपी। अब नई प्रवृत्तियों के लिए मुद्दे कौन कौन से थे, नई प्रवृत्तियों के मुद्दे कौन कौन से थे, देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन तीन घटनाओं के कारण व्यापक परिवर्तन हुआ, और इन तीन घटनाओं से नई प्रवृत्तियों का उदय हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई प्रवृत्तियां व मुद्दे, नई प्रवृत्तियां व मुद्दे कौन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई प्रवृत्तियां और मुद्दे कौन कौन से हैं जिसके कारण विश्व की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, विश्व की राजनीति पूर्णतः बदल गई। उसमें पहला परिवर्तन है शीत युद्ध का आगमन। नंबर एक था हमारा शीत युद्ध का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गठजोड़ों में बट गया था, एक उदार प्रजातंत्र, दूसरा साम्यवाद। साम्यवाद का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था, उदार प्रजातंत्र का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। विश्व की जब राजनीति में 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप ही अमेरिका और रूस के मध्य चलने वाला शीत युद्ध अंत हो गया। शीत युद्ध एक विचारी क्रांति थी, दोनों देश अपने अपने विचारों को आगे बढ़ाना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में प्रमुख विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की राजनीति का चलन था। शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धतियां थी, एक उदार लोकतंत्र तथा दूसरा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद। ये दोनों जो विचारधाराएं थे, दोनों विचारधाराएं अपने अपने जो विचार हैं, अपनी अपनी जो जीवन पद्धतियां हैं, अपनी अपनी जो शासन की पद्धतियां हैं, उनको सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने लगे वैचारिक रूप से। 1990 के बाद, जब 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो 1990 के बाद पूर्वी यूरोप तथा सोवियत संघ में साम्यवादी शासकों को विदाई दे दी गई और साम्यवादी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप में कम्युनिज्म का वर्तमान संकट मुख्यतः आर्थिक मोर्दे पर असफलता से पहुंचा। वहां कम्युनिज्म से जाने का कारण यह था कि वहां आर्थिक दृष्टि से रशिया कमजोर हो रहा था,
व्यक्तिगत स्वतंत्रता, खुलापन, निजी संपत्ति अचानक महत्वपूर्ण हो गए। पूरे विश्व की राजनीति में साम्यवाद का वर्चस्व कमजोर होने लगा। पूरे विश्व में जीवन पद्धतियों में लोगों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, खुलापन और निजी संपत्ति महत्वपूर्ण हो गए। ये तीनों चीजें जो है ये उदार लोकतंत्र में जो वर्षों से जीव जान से लेनिन की विचारधारा का समर्थन करते आ रहे थे, अब वो चीख चीख कर कहने लगे, अब वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगे कि लोकतंत्र के बिना समाजवाद की कल्पना नहीं की जा सकती। शीत युद्ध के अवसान में सोवियत राष्ट्रपति मिसाइल गोर्बाचोव की ऐतिहासिक भूमिका रही। इसके लिए शीत युद्ध को खत्म करने तथा साम्यवाद को कमजोर करने, रशिया के 15 भागों में टुकड़े करने, स्वतंत्र देशों को मान्यता देने, इन सब कारणों के कारण मिसाइल गोर्बाचोव को असाधारण जगत का असाधारण व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय जगत का असाधारण व्यक्ति माना गया। ये पहला जो इन प्रमुख मुद्दा था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन का, शीत युद्ध का अंत। दूसरा है एक ध्रुवीय विश्व, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो शक्ति गुटों में विभाजित हो गया। एक गुट था सोवियत संघ या साम्यवाद, दूसरा गुट था संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात पूंजीवाद। 20वीं शताब्दी के अंत में ऐसा लगा जाने लगा कि विश्व में एकमात्र महानतम शक्ति है, क्योंकि रशिया के टुकड़े हो गए, रशिया के स्वतंत्र देश बन गए और वहां वह जो महानतम शक्ति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब विश्व राजनीति दो भीमाकार देशों के बीच संघर्ष नहीं रह गया, दो बड़े देशों के बीच संघर्ष नहीं रह गया, दो राजनीतिक विचारधाराओं के बीच संघर्ष नहीं रह गया। साम्यवाद के अवसान के बाद ही दूसरे भीमाकार द्वितीय की अकाल मृत्यु हो गई, यानी एक भीमाकार द्वितीय अमेरिका तो बच गया, साम्यवाद का जो ही विघटन हुआ, साम्यवाद का जो ही अवसान हुआ, त्यों ही एक भीमाकार की अकाल मृत्यु हो गई। वस्तुतः खाड़ी के युद्ध में अमेरिका की विजय ने उसकी शक्ति और प्रभाव और प्रभाव में और वर्चस्व में अभूतपूर्व वृद्धि की। यही कारण था आज अमेरिका, रूस, चीन, भारत, जापान जैसे देशों को धमकी देने लगा है। आज अमेरिका विश्व में एक महान शक्ति है, वह विश्व को एकमात्र पुलिसमैन, दादा या महानायक है। उसकी बराबरी का दुनिया में कोई देश नहीं है। वो किसी भी देश को आदेश दे सकता है, न मानने पर दंडित कर सकता है। उसके पास परमाणु हथियारों का ही प्रचंड नहीं है, परमाणु हथियारों की ही भरमार नहीं है, उसके अलावा आर्थिक क्षमता भी बहुत अत्यधिक है। वह राष्ट्रों पर दबाव डालने की स्थिति में है, वह अनुचित व्यापार के बहाने राष्ट्रों पर अत्यधिक आयात करता है, वह राष्ट्रों पर दबाव, मनमानी तथा एक तरफा रुकावटें ला सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक जैसी संस्थाएं भी संयुक्त राज्य अमेरिका की मुट्ठी में है। पत्रकार सुरेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं, सोवियत संघ सहित वारसा संधि के देशों के पतन तथा कुवैत इराक के युद्ध में कुवैत की ओर निर्णायक भूमिका निभाने के बाद अमेरिका ने उस विश्व संचालन को पूरी तरह से बदल डाला। अमेरिका न केवल अपने आप को विश्व का एकमात्र सूबेदार मान रहा है, बल्कि वह सचमुच एक सूबेदार के रूप में उभरा भी है। आज अमेरिका चाहता है कि प्रत्येक देश उसके समकक्ष नतमस्तक रहे। इस मानसिकता का सर्वप्रथम नजारा तब देखा गया जब कुवैत के मसले पर 1991 में इराक के खिलाफ द्वितीय महायुद्ध से भी बड़े सत्र पर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया गया। उसके बाद हेती, रवांडा, बोस्निया, कोसोवा ने अमेरिका की ताकत की अजमाइश जारी रखी। अफगानिस्तान में तालिबान का सफाया 2001, महज
आतंकवाद के सफाई की कार्रवाई नहीं थी बल्कि उसकी मंशा थी कि अफगानिस्तान में पिछलग्गू सरकार का गठन करना, ऐसी सरकार का गठन करना जो अमेरिका के आदेश को माने। इराक मसले 2003 में जब राष्ट्रपति बुश ने संयुक्त राष्ट्र संघ की खुली उपेक्षा की, सुरक्षा परिषद को नकारते हुए उसे अप्रासंगिक तक कह दिया, फ्रांस जर्मनी को दग्गाबाजों की धुरी बताया, फ्रांस के नतीजे भुगतने की चेतावनी तक दे डाली। इराक युद्ध के बाद विश्व ने अमेरिका को महाशक्ति की छवि और अधिक पुष्टि हुई और अधिक मजबूत हुई। युद्ध के बाद विश्व में ऊर्जा के बड़े स्रोत अमेरिका के नियंत्रण में आ गए। दुष्ट परमाणु ताकतों ने अमेरिका तथा उस मित्र देशों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति जॉर्ज बुश 100 से 200 अरब डॉलर की राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा व्यवस्था विकसित करना चाहते थे, जिसके अंतर्गत हमलावर मिसाइल का पता लगाकर उसको बीच में नष्ट करने के लिए उपग्रह विमानों, मिसाइलों और पोतों का प्रयोग किया जा सके जाना था। इससे लगता था कि अमेरिका नए सिरे से चौधराहट दिखाना चाहता है। कतिपय राजनीतिक विशेषज्ञ, कुछ राजनीतिक विश्लेषज्ञ इस नई विश्व व्यवस्था को बहुत दुर्व्यता की ओर अग्रसर बताता है। भारत के पूर्व विदेश सचिव जे एन दीक्षित के अभिमत में सैनिक शक्ति तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ही यह विश्व भले ही एक ध्रुव हो गया हो, हम सैनिक शक्ति के मामले में विश्व का दादा अमेरिका को बता सकते हैं, हम विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले में विश्व को दादा अमेरिका को बता सकते हैं, हम कहते हैं अमेरिका विश्व में सब एकमात्र सर्वशक्ति संपन्न देश है, लेकिन जनसंख्या, मानव जनित शक्ति साधन, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी क्षमता, बृहत रूप से आर्थिक शक्ति आदि कुछ ऐसे तत्व है जहां एक ध्रुवीयता का अंत हो जाता है, क्योंकि इन सब चीजों में अमेरिका शक्ति संपन्न नहीं है। इन सब चीजों को देखने पर, इन सब बिंदुओं को देखने पर हम इस बात को मानते हैं कि विश्व बहुत ध्रुवीय हो जाता है। जर्मनी फ्रांस में संयुक्त संसाधन शक्ति से परिपूर्ण एकीकृत यूरोप, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस, चीन आर्थिक दृष्टि की ओर तीव्र नीति से अग्रसर, भारत ब्राजील आर्थिक व्यापार आर्थिक तथा व्यापारिक का सरकार, जापान इस नई विश्व व्यवस्था के अन्य ध्रुवों का निर्माण करते हैं। डॉक्टर किंजिक्स का मानना है द वर्ल्ड इज पॉलिस्ट्रिक नॉट इन यूनिपोलियन। नंबर 3 है साम्यवादियों का अवसान। साम्यवादी गुट का अवसान, साम्यवादी गुट का अवसान यानी साम्यवादी गुट का कमजोर होना, साम्यवादी गुट का नष्ट हो जाना। वर्ष 1991 में महान क्रांति हुई, पूर्वी यूरोप के विशाल देश, पूर्वी यूरोप ने साम्यवाद को कब्र में गाड़ दिया गया। 7 नवंबर 1989 को हंगरी में, 29 जनवरी 1990 को पोलैंड में, 18 मार्च 1990 को पूर्वी जर्मनी में, 23 मई 1990 को रोमानिया में, 11 मार्च 1990 को चेकोस्लोवाकिया में साम्यवाद शासन का अंत हो गया। यानी 90 के दशक में 7 देशों में साम्यवाद का अंत हुआ। फरवरी 1990 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने लेनिनवाद को ध्वस्त करने का क्रांतिकारी मार्ग अपनाया। उसने सोवियत संघ के संविधान में अनुच्छेद 6 के विलोपन का संकल्प किया, जिसमें सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता की एकाधिकार की गारंटी दी गई थी। साथ ही प्रशासन की जो समस्त कार्यवाहियां हैं, प्रशासन सत्ता महासचिव के स्थान पर राष्ट्रपति को सौंपकर सरकार का पार्टी के नियंत्रण को निष्प्रभावी करने का निश्चय कर किया गया। 1 फरवरी 1990 को सोवियत संसद ने मार्क्सवाद के एक मूल सिद्धांत को स्पष्ट अस्वीकार कर दिया गया, जिसमें यह घोषणा की
कि पार्टी का विचार कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सहित निजी संपत्ति का अस्तित्व देश के आर्थिक विकास के वर्तमान व्यवस्था में प्रतिकूल नहीं है। साम्यवादी दलों के पतन के बाद बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र निर्वाचन, बाजारों उन्मुख अर्थव्यवस्था अपनाने से पूर्वी यूरोप और सोवियत गणराज्यों में स्वतंत्रता की बहार आ गई। अब उदारवादी पूंजी व्यवस्था ने प्रतियोगिता करने वाली विचारधारा जनित शक्ति गुट का अभाव नजर आने लगा। अब तो सभी मार्ग पूंजीवाद की ओर चल पड़े। नंबर चार है जर्मनी का एकीकरण। इसी दौरान एक उदारता है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण हमारा चौथा मुद्दा है। जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 को, यानी सब कुछ 20वीं सदी में हो गया। 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया बिना युद्ध और संघर्ष के। 15 वर्ष बाद 1945 के बाद 1990 में 45 वर्ष बाद दो राष्ट्रों का हरलोसपूर्ण एकीकरण आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। अगस्त 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी होने के बाद तो वह माइंस बिछाकर तारों की बाड़ लगाई गई थी ताकि कोई सीमा पार न कर सके, क्योंकि 1961 में बर्लिन की दीवार के बाद उस पर माइंस बिछाकर तारें लगा दी गई थी ताकि कोई देश, कोई पूर्वी जर्मनी या जर्मनी या पश्चिमी जर्मनी का आदमी दीवार पार न कर सके। लेकिन 9 नवंबर 1979 को बर्लिन की दीवार को तोड़ने से पूर्व बीच में लगभग 29 वर्षों में 178,182 लोग इसको नालांग कर या इसके नीचे से दूसरी तरफ भाग निकले। 40,101 ने अपनी जान जोखिम में डाली। इस कोशिश में, एक देश से दूसरे देश जाने की कोशिश में 192 लोगों की जान गंवाई। जर्मनी के एकीकरण के प्रयत्नों में सबसे पहली सफलता उस समय मिली जब 9 नवंबर 1979 को बर्लिन को दो भागों में बांटने वाली बर्लिन की दीवार को तोड़ने का काम शुरू हुआ। उसके बाद 18 मार्च 1990 को पूर्वी जर्मनी को पहली बार स्वतंत्र चुनाव हुए। फिर 1 जुलाई 1990 को दोनों जर्मनियों का आर्थिक एकीकरण हुआ। दोनों देशों की एक मुद्रा हो गई। 4 अक्टूबर 1990 को चांसलर हेमुल्ट कोल के नेतृत्व में एकीकृत जर्मनी की नई सरकार सत्तारूढ़ हुई। क्षेत्रफल में फ्रांस में छोटा किंतु आबादी के लिहाज से 7.8 करोड़ लोगों का देश एकीकृत जर्मनी यूरोप का सबसे शक्तिशाली केंद्र बनकर उभर। नंबर 5 है गुट निरपेक्षता आंदोलन की प्राथमिकता। गुट निरपेक्षता आंदोलन की प्राथमिकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में आए परिवर्तनों में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता प्रश्न विचारणीय मुद्दा बन गया। शीत युद्ध के अंत द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के स्थान पर एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय, सोवियत संघ के पतन आदि से सहज ही यह प्रश्न किया जाने लगा कि क्या निर्गुट आंदोलन अप्रासंगिक तो नहीं हो गया। खाड़ी संकट, अफगान संकट या मार्च अप्रैल 2003 में ऑपरेशन ईरानी फ्रीडम के समय नाम की कोई खास भूमिका नहीं रही। एक आलोचक के अनुसार कहने को निर्गुट राष्ट्रों के आंदोलन में अब भी 130 है, पर वे इस समय बिल्कुल बेबस है क्योंकि विश्व में गुट रहे नहीं। इससे पहले कोई विशेष
दमखल नहीं है, पर शीत युद्ध के चलते दोनों शक्तियां कम से कम इसकी बात अवश्य सुन लेती। अब इस आंदोलन में इतनी पूछ भी नहीं है। हाँ, निर्गुट आंदोलन की बैठकें बराबर हो रही है, पर इसके सदस्यों की माली हालत इतनी नाजुक है कि वो नेता हर समय विश्व बैंकों के कर्जे की अर्जी के लिए वाशिंगटन में मौजूद रहते हैं। विश्व बैंक में अकेले अमेरिका का सर्वाधिक 20% हिस्सा है। उसकी मर्जी के बिना वहां से कोई भी नसीब नहीं हो सकती, इसलिए वे देश फिलहाल अमेरिका के सामने खड़े होने की हैसियत से नहीं है। आर्थिक तंगी, भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई गरीबी, जन असंतोष के कारण निर्गुट आंदोलन में देश आर्थिक विषमता से पीड़ित है, इसलिए यह आंदोलन मर्त है। फरवरी 1992 में गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मिस्र ने यह स्पष्ट रूप से अपील की कि इस आंदोलन यानी हमारा जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि सोवियत संघ के विघटन और सोवियत ब्लॉक तथा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, गुट निरपेक्ष की कोई प्रासंगिकता नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बदलती विश्व राजनीति के नाम की राजनीतिक भूमिका की अपेक्षा आर्थिक क्षेत्र में भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना तथा दक्षिणी दक्षिणी सहयोग के नाम से महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन समय के साथ ही परिवर्तनों के अनुरूप अपनी प्राथमिकताओं के नया रूप देने का प्रयास कर रहा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका को नई स्फूर्ति देना एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कुछ समय से आंदोलन का ध्यान लगा हुआ है। आज गुट निरपेक्ष आंदोलन भी तेजी से बदली हुई मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों को विकासशील देशों के हितों में समर्थन और सुरक्षा की ओर इसके मुद्दों को परिदृश्य में जोड़ने की आवश्यकता में विशेष रूप से सजग रहा है। नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिवाद। संयुक्त राष्ट्र संघ का बढ़ता प्रयोग। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था तब इसके सदस्यों की संख्या 50 थी और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई। आज न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य संख्या में वृद्धि हुई है, परंतु इसके अलावा भी उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय कार्य किए। संयुक्त राष्ट्र संघ उसके 17 विशेष अभिकरण, 14 मुख्य कार्यक्रम निधियां विश्व के किसी भी कोने में प्राय सभी मानवों से संबंध है। हाल ही में ईरान इराक युद्ध की समाप्ति में, नामीबिया की स्वतंत्रता में, कुवैत को इराक से मुक्त कराने में, कंबोडिया में शांति बहाल कराने में, अफगानिस्तान में शांति कराने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है। तथापि मार्च अप्रैल 2003 में अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की अपेक्षा करते हुए ऑपरेशन ईरानी फ्रीडम के अंतर्गत इराक पर आक्रमण कर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा को आंच आई और यह अप्रासंगिक दिखाई पड़ा। इराक मसले में साफ कर दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का एकमात्र महाशक्ति के लिए नहीं तभी तक प्रासंगिक है जब तक उसके जेपी संगठनों के रूप में काम करने को तैयार है। आज यह महसूस किया जा रहा है कि द्विराष्ट्रीय विश्व व्यवस्था की समाप्ति के बाद अमेरिका ने एकमात्र महाशक्ति रह जाने से संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद का इस्तेमाल कूटनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। अतः सुरक्षा परिषद का आधार व्यापक बनाने और इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाने की तत्काल आवश्यकता है। आजकल सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ती जा रही है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष रजाली इस्माइल की अध्यक्षता वाले कार्यदल में सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 से बढ़ाकर 24 करने का सुझाव किया। नए 9 सदस्यों में 5
स्थाई और चार अस्थाई हो। पांच नए स्थाई सदस्यों में दो जर्मनी एवं जापान, तीन सदस्यों का चुनाव अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में से किया जाए। 21 मार्च 2005 को महासचिव कोफी अनास ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए अलग अलग दो विकल्पों वाली सुधार योजना प्रस्तुत की। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत की। सुरक्षा परिषद में प्रस्तावित जो सदस्यों की संख्या से 15 से बढ़ाकर 24 का प्रस्ताव था। जो दो विकल्प जो कोफी अनास ने रखे, वो दो विकल्प ये थे। प्रथम विकल्प ये थे कि स्थाई सदस्यों की संख्या 6 की वृद्धि करने की सिफारिश की। इसके अंतर्गत अफ्रीका, एशिया, फ्रांस, प्रशांत, यूरोप और अमेरिका के दो दो सदस्य शामिल किए जाए। अस्थाई सदस्यों की संख्या में 3 की वृद्धि का प्रस्ताव था। दूसरा विकल्प, दो विकल्प रखे। पहला विकल्प तो था कि स्थाई सदस्यों की संख्या में 6 में वृद्धि की जाए और अस्थाई सदस्यों की संख्या 3 में वृद्धि की जाए। यानी स्थाई सदस्यों की संख्या जो पहले हमारी 5 है, 5 की जगह 11 किया जाए और अस्थाई सदस्यों की संख्या जो पहले हमारी 9 है, 9 की जगह 10 सॉरी 10 है, 10 की जगह 13 किया जाए। ये उनका सुझाव था। ये पहला विकल्प यह था कोफी अनास का मुद्दे का। दूसरा विकल्प था स्थाई सदस्यों की संख्या पहले की तरह 5 रहनी चाहिए, इसके साथ साथ 8 सदस्यों की संख्या एक नई श्रेणी बनाने का प्रस्ताव दिया। जब वो नए स्थाई होंगे, और इन सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होगा। अस्थाई सदस्यों की संख्या में मात्र 1 वृद्धि करने की सुझाव की। यानी कोफी अनास महोदय ने 2 विकल्प दिए, एक विकल्प ने तो स्थाई सदस्यों की 6 बढ़ाई जाए और अस्थाई सदस्यों की संख्या 3 बढ़ाई जाए। और दूसरा विकल्प उनका यह था कि स्थाई सदस्यों की तो 5 ही रखी जाए, 8 नए सदस्यों का एक नया विकल्प रखा जाए और अस्थाई सदस्यों की संख्या 1 बढ़ाई जाए। 15 सितंबर 2015 को 193 सदस्यों के बलबूते पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुधार और विस्तार के मसौदे को स्वीकृति दे दी। अब वर्ष भर सुरक्षा परिषद के सुधार एजेंडे पर चर्चा हो रही है। वर्ष 2016 के अंत पर किसी निर्णय पर सहमति बन सकी। नेक्स्ट है सैनिक गुटबंदियों का घटता महत्व। 7 नंबर है सैनिक गुटबंदियों का बढ़ता महत्व। सैनिक गुटबंदियों का बढ़ता महत्व, आज हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, समसामयिक नई प्रवृत्तियां और मुद्दे, नई प्रवृत्तियां और नए मुद्दे कब हुए विश्व में, 20वीं सदी में 3 परिवर्तन हुए। एक परिवर्तन प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध, तीसरा रूस का विघटन। इसमें नए इन प्रवृत्तियों से 3 नई प्रवृत्तियां पैदा हुई। शीत युद्ध काल, एक युद्ध, शांति युद्ध का अवसर, जर्मनी का एकीकरण, उठने पर सामने की प्रासंगिकता, संयुक्त राष्ट्र का बढ़ता प्रभाव। ये हमने 6 मुद्दों तक इसका अध्ययन किया, नए मुद्दों पर। बाकी का अध्ययन अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप अगले वीडियो तक इसको पढ़े, तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।